फर्स्ट क्वेश्चन है सर, कट ऑफ भी चेंज होगी क्या? सेकंड काउंसलिंग में फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, ऐसा है कि फर्स्ट काउंसलिंग में जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मान लीजिए 10% स्टूडेंट को सीट अलॉट ही नहीं हुई है ना, तो लास्ट किसी भी सब्जेक्ट में मान लीजिए 70 गई थी, तो इनको जब अलॉट होगी तो वो और नीचे आएंगे स्कोर, दैट इज वाई कट चेंज होगी। डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स पढ़े हैं तो डाउन जाएगी, ये आपका आंसर सीधा है कि चेंज होगी। सर मेरी एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज हो गई, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैनू सेकंड काउंसलिंग दे ले फिर तो मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ते कॉलेज दोबारा फिल करना पड़ेगा, शायद ये पूछ के कॉम्बिनेशन कॉलेज चॉइस फिल करनी पड़ेगी या फिर डायरेक्ट शिफ्टिंग करवाने की जरूरत है क्योंकि मैं किसी और गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन लेनी है। सभी के लिए सेम प्रोसीजर है, सेकंड काउंसलिंग अब शुरू होगी तो 21st से लेके 23rd तक आपको यहाँ दिखाई देता हूँ जो क्वेश्चन आपने पूछा है, वापस चलते हैं। 21st से लेकर अपडेशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स बाय कैंडिडेट फॉर दोज हु हैव नॉट प्रोवाइडेड मार्क्स बिफोर फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग, जिन मैसेज मैंने पिछले उसमें बताया था, सबसे पहले जो 1800 के करीब स्टूडेंट्स थे जिनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, ये उनके लिए है कि उन्होंने 21st को ये अपना ऑनलाइन फिल करना है, उस फिल करने के बाद शिफ्टिंग ऑफ द कॉलेज है ना, तो इसमें है कि फिर वो पोर्टल खुल जाएगा, जितने भी स्टूडेंट अपने अब जो एडमिशन ले चुके हैं फीस जमा करवा चुके हैं वहां पर सेटिस्फाई नहीं है तो वो 1000 अब ऑनलाइन फिल करेंगे, ये 1000 और फिल करने के बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग में ये बताया गया ऑनलाइन चॉइस फिलिंग मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कॉलेज, आपका उत्तर ये है, वो कब से है, आज से शुरू हो चुका है 20th से 23rd तक, तो मेजर सब्जेक्ट जो आपने पहले फिल किए हैं आप चेंज कर सकते हो 100% रिप्लेस चेंज वट एवर यू वांट, प्रेफरेंस चेंज हो गई है चेंज कर सकते हो और कॉलेज भी चेंज कर सकते हो, फर्स्ट काउंसलिंग का आपका जो रिजल्ट आया है उससे आप लर्न कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट या कॉलेज प्रेफर करना चाहते हो। हाँ ये भी पॉसिबल है के बहुत कम चांस होंगे जो कॉलेज आपने पहली में फिल किया था और वो मतलब आपको अब मिल जाए, कारण क्या है अच्छी तरह से इसको समझ लेना चाहिए। मान लीजिए आप जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते थे वहां से 5 बच्चे शिफ्ट कर चुके हैं, 5 बच्चे शिफ्ट करके ये 5 सीट्स खाली हो गई, यूनिवर्सिटी के पास इंफॉर्मेशन चलेगी अब ये 5 सीट खाली हुई है, अगर आप एज पर थे मान लीजिए ये गई थी 70 पर है ना और आपके 69 मार्क्स थे तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी कि आपको उसी कॉलेज में फिर सीट मिल जाएगी, दैट इज वाई आप केयरफुली सब्जेक्ट प्रेफरेंस ऐसे कॉलेज प्रेफरेंस ऐसे ही फिल करिए जो आप चाहते हो, अदरवाइज अगर प्राइवेट कॉलेज है तो सीट वही मिल जाएगी, ऐसे भी मिल जाएगी वैसे भी मिल जाएगी, इसलिए कह रहा हूं घबराने की बात नहीं है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, वापस चलते हैं, ये रहा आपका ये हो गया, नेक्स्ट यहां से जाएंगे ये ओके। गुड मॉर्निंग सर, सेकंड काउंसलिंग का की प्रोसीजर है सर, कॉलेज जिना जाना पड़ेगा जहां फिर नहीं, कॉलेज कहीं नहीं जाना, आपने कॉलेज गए हो आपने फीस फिल कर दी है तो भी आपको दोबारा कॉलेज कुछ नहीं जाना, जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया है ये जो मेरिट लिस्ट है आपने इन दिनों में 20th से 23rd तक है ना, ये रहा 20th से 23rd तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कॉलेज, आपका ये ही काउंसलिंग है, काउंसलिंग का मीनिंग है ये, इस प्रोसीजर को अटेंड करना, अवेयर रहना, अगर शिफ्टिंग है तो इन दिनों में आपने फीस डिपॉजिट करवा के और ऑनलाइन कॉलेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दोबारा से फिल करने हैं, पहले वाले भी रख सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सर इज इट सेम फॉर पंजाब? देखिए जब ऐसे आपने क्वेश्चन पूछा है ना रिजर्वेशन के बारे में, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या किस रिगार्डिंग वो बात है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोई कई बातें की हो सकती हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को क्लियर करना होगा। अगर आप डी रिजर्वेशन पूछते हो तो ये पंजाब की रिगार्डिंग ही मैंने एक वीडियो अलग से निकाला था, वो देख सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो, डी रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ पंजाब, डॉक्टर तीरथ सिंह लर्न टू एक्चुअलाइज पर आप सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है जी, सर मैं बीएससी मेडिकल कीती है, मैं जूलॉजी बॉटनी ते केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़िया, एमएससी जूलॉजी कीती है और मैनू बीएड विच लाइफ साइंस ते फिजिकल साइंस कॉम्बिनेशन मिली, फिजिकल साइंस का कॉम्बिनेशन मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज की, ये ठीक रहेगा? ठीक की डेफिनेशन लाइफ में, रिश्तों में और हर कहीं में आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक है। अगर आप प्रेफर करते हो वैसे लाइफ साइंस आपका बनना ही चाहिए, क्योंकि आपने एमएससी जूलॉजी की है ना, तो इसके हिसाब से, दोनों के सब्जेक्ट के हिसाब से अगर लाइफ साइंस आपको मिलता है तो यू आर एलिजिबल फॉर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, डायरेक्ट एलिजिबल हो आप, है ना। तो फिजिकल साइंस आपने साथ में लिया है, इसका मतलब है कि आप फिजिकल साइंस की आपको एमएससी एक करनी पड़ेगी, तो फिजिकल साइंस के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो, इसके लिए आप एलिजिबल हो क्योंकि बॉटनी की ब्रांचेस में से आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है। आप कह रहे हो कि फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी पढ़ा है, जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, ओके। तो ये भी हो सकता था कि अगर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, टीजीटी के लिए, है ना, तो आपको साइंस लेना चाहिए था। कारण समझ लीजिए, पीजीटी की पोस्ट बहुत कम निकलती है, पीजीटी की 10 पोस्ट निकलेंगी तो साइंस की लगभग 100 पोस्ट, इससे भी ज्यादा पोस्ट निकलेंगी, ये बात, ये फर्क है। तो दैट इज वाई अगर आप चेंज करना चाहते हो, यहां आपको पीजीटी का फायदा इसलिए है कि ऑलरेडी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपका उत्तर ये है। अच्छा, आप ये एक बात आपके लिए जरूरी है, आपने मुझे ये नहीं बताया कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में, कई गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कई क्या गवर्नमेंट कॉलेज, 4-5 गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें साइंस कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अब आपने ये देखना है कि आपने फीस को प्रेफर करना है, पर फीस के रिगार्डिंग भी आगे चल के एक क्वेश्चन आया है कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी उतनी फीस ही ली जा रही है, तो अगर ये फर्क है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता कितनी ली जा रही है। हाँ, इतना पता है कि मलेरकोटला में 17,000 फीस उन्होंने ऊपर अपनी साइट पर रिकमेंड ही की हुई है मलेरकोटला के गवर्नमेंट कॉलेज ने, तो इतनी लगभग मेरे ख्याल में जो फीस है प्राइवेट में 20 तक या 25 तक ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फिर, है ना। तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस दे लेनी चाहिए, पर अगर आप चाहते हो कि मैं लाइफ साइंस का मैं पीजीटी ज्यादा बनना चाहता हूं, तो आप यहीं टिके रहिए, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, फीस कम है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस का ज्यादा जल्दी जॉब लेनी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसमें ज्यादा होती है, देन आपको सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको डायरेक्ट बात 9872978981 पर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस चलते हैं यहां से, वापस करे सर मैंने बीएस मेडिकल कितनी है, ये हो गया और ये रहे हम आगे। अच्छा हाँ, टीईटी ही अगर आप करना चाहते हो, टीईटी लिख के मैसेज कीजिए। आप जो न्यू एडमिशन ले चुके हो या ले रहे हैं वो टीईटी के पेपर देने के लिए एलिजिबल हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और साथ में एनसीटी का सर्कुलेशन भी आया है इन अकॉर्डेंस विद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। ऑलरेडी एक वीडियो निकाल भी चुका हूं, दैट इज वाई आपको टीईटी की साथ साथ में तैयारी कर लेनी चाहिए। पंजाब में तो गवर्नमेंट जॉब की आने की संभावना बढ़ रही है, जैसे आप देख रहे हो, नई गवर्नमेंट ने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी हैं। मेरे पर विश्वास नहीं करना, खुद देखना है, मैं झूठ भी बोल सकता हूं शायद, है ना। तो फर्क नजर जिनको आ रहा है टीचर को, तो उनसे सीख लेना चाहिए। सर आई हैव डन बीएससी नॉन मेडिकल, एमएससी केमिस्ट्री, इफ आई वुड चूज साइंस एंड मैथ, बीएससी नॉन मेडिकल है, हाँ मैथ हो गया, साइंस हो गया, बिल्कुल ठीक, देन आई एम एलिजिबल फॉर टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री +1-2, और शुड आई चूज फिजिकल साइंस फॉर दैट? अगर आप लेना चाहते हो, दोनों अलग अलग हैं,
मेरे ख्याल में अगर आपने ये ले लिया है, साइंस ले लिया है, साइंस आपने दो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं ना, एक मैथ भी 3 साल पढ़ा हुआ है, ये भी 3 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए साइंस के लिए इसके लिए एलिजिबल हो और मैथ के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, तो ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट फिजिकल साइंस में है, आप किसमें जाना चाहते हो, टीचिंग, आई एम एलिजिबल फॉर टीचिंग केमिस्ट्री, है ना, टीचिंग केमिस्ट्री किसमें, केमिस्ट्री आती है फिजिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में आपको फिर एडिशनल पेपर देना पड़ेगा बीएड करने के बाद, बीएड का एडिशनल वो आपका बीएड करने के बाद ही होगा, तो किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं जहां पर फिजिकल साइंस ऑफ पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस है, देन वो करने के बाद आप ये टीचिंग केमिस्ट्री टीच करने के लिए 10+1 और 2 तक एलिजिबल तब हो गया, उसके बिना नहीं हो गए। अगर आप ऐसा चाहते हो कि अभी एलिजिबल होना, वो सजेस्ट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये बेटर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जॉब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो वो ले करना चाहते हैं तो फिर मैथ्स के साथ आपको फिजिकल साइंस ये कॉम्बिनेशन आराम से मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में है तो शायद वहां कॉम्बिनेशन लिमिटेड होते हैं, दैट इज व्हाई। क्या सेकंड काउंसलिंग में सर मेरे को बीएच पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी इलेक्टिव उर्दू थी, बाकी जनरल च इंग्लिश पंजाबी इंग्लिश, सर हूं मैं बीएड च, वेरी गुड, फर्स्ट पर्सन है भी, कौन है इनको देखेंगे, उर्दू कर रहे हैं, वेरी गुड, उर्दू बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, जनरल इंग्लिश और पंजाबी भी साथ में है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये आपका एसएसटी बन गया है, ओके, इलेक्टिव उर्दू है, आपको उर्दू बन रही है, ठीक है, एसएसटी उर्दू आपका यहाँ मिलता है, तो उर्दू चेंज करना चाहती हूँ, अच्छा बी एड च मैं उर्दू चेंज करना चाहती हूँ, तो इलेक्टिव इंग्लिश नो चूज करना ठीक रहूंगा। देखिए उर्दू की पोस्ट भी निकलती है गवर्नमेंट जॉब, बड़ा क्रिटिकल केस है आपका, तो अगर आप एसएसटी उर्दू करते हो तो आप सीधा ही एसएसटी के लिए गवर्नमेंट जॉब पंजाब के लिए और गवर्नमेंट जॉब उर्दू के लिए सीधा एलिजिबल, क्योंकि उर्दू आपने 3 साल पढ़ी हुई है, ठीक, तो इलेक्टिव इंग्लिश आपने जनरल पढ़ी हुई है, दैट इज वाई आपको पहले तो अगर आप टीचिंग पेडागोजी ऑफ बीएड में, अगर बीएड में अगर उर्दू की जगह आपने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश ले ली है, तो आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल तब हो गए जब बीएड करने के बाद जहां साथ में आप 3 साल के बीए के एडिशनल एग्जाम दे देते हो, ये बात है। इट मीन्स अगर आप उर्दू से इंग्लिश में आते हो तो आपको एडिशनल इलेक्टिव इंग्लिश के एग्जाम देने पड़ेंगे। हाँ एसएसटी उर्दू में रहते हो तो ये आप दोनों के लिए एलिजिबल हो गए गवर्नमेंट जॉब के लिए। तीसरा सुजेशन है कि ये करने के बाद आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश भी दे सकते हैं साथ में बीएड करने के इमीडिएट बाद, और साथ में ही आप दे सकते हैं बीए के उसी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश के, तो ये आपने डिसीजन लेना है कि आपने अभी उर्दू को चेंज करना है, कर सकते हो, कि आपने उर्दू करके बाद में इंग्लिश का एडिशनल देना है, दोनों अपॉर्चुनिटी। सर पीपीएससी वाले बीसी सर्टिफिकेट कितने ईयर का वैलिड मानते हैं, कास्ट जो है एस्क्राइब्ड स्टेटस है, सोशियोलॉजी में अगर पढ़ा होगा एस्क्राइब्ड, एस्क्राइब्ड ऐसे होता है प्रोजेक्ट कर देना, मर देना, जिसमें जन्म हो गया आप वही रहोगे, दैट इज वाई आप का कास्ट सर्टिफिकेट एक बार ही बनता है। हाँ आपका दूसरा ट्रेडिशनल सर्टिफिकेट बना है, अब आप डिजिटल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो दोबारा बनवा सकते हो, अदरवाइज कोई भी कास्ट का सर्टिफिकेट है वो लाइफ के लिए वैलिड होता है, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट 5 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो लाइफ अगर बीसी की बात कर रहे हो नेचुरली है कि आपका 5 ईयर के लिए नहीं, आपका लाइफ के लिए, सॉरी लाइफ के लिए वैलिड है बीसी का। नेक्स्ट है सर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर वाले फुल फीस ही ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फुल लेंगे हाफ नहीं करनी, अब फुल कितनी है वैसे गुड इन्फॉर्मेशन, जो शिफ्ट करवाना चाहते हैं आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, बीएड एमएड मेरी वहीं से है, लेकिन अब जो है देखिए क्योंकि गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, जब फंड नहीं आते, रियलिटी को समझिए,
गवर्नमेंट फंड कम कर रही है तो गवर्नमेंट कॉलेज को चलाने के लिए वो पीटीए ले सकते हैं, पीटीए फंड, ठीक है। जैसे मलेरकोटला में शायद 10,000 के करीब, लगभग मैंने अभी रीड किया था थोड़े दिन पहले, 10,000 के करीब पीटीए फंड ही है, तो पीटीए फंड वो ले सकते हैं वो एक्टिविटीज को रन करने के लिए, तो आपके लिए तो वो फीस ही है। तो आप पहले पता कर लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज, किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस है, इट मीन गवर्नमेंट कॉलेज में भी वेरिएशन है। तो किसी में पीटीए ज्यादा ले रहे हैं, 10,000 तक ले रहे हैं, किसी कम ले रहे हैं, तो दैट इज वाई आपको पहले कंपेयर कर लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट का टैग जो है उसकी डेफिनेशन है बदल चुकी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। हाँ, रूल्स जो है बेस्ट कॉलेज में क्या है कि आपको 100% जितनी भी रूल्स है फॉलो करने पड़ेंगे, 75% या 80% जितनी भी अटेंडेंस है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये रूल अच्छे हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अटेंडेंस मिल रही है, प्राइवेट में मिल ही नहीं रही, जाओगे तो ही लर्न करोगे। तो ये थे अब तक के क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन हो आप बात कर सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह, टीईटी की तैयारी करनी है तो काइंडली टीईटी लिख के मैसेज कीजिए। थैंक यू।